डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन ही है इसका, सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. नेक्स्ट द फिक्स्ड पॉइंट इज, चलेगा फिर से बोलिए तो बता रहा हूं मैं, फिर पूरा मैं डिस्कस करूं, वेट करो. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. दूसरा वर्ड इसमें यूज हुआ है फिक्स्ड डिस्टेंस. The fixed distance is called radius. ध्यान से सोचिएगा पहले डेफिनेशन में क्या लिखा. सर्कल है क्या बताऊं? सर्कल एक लोकस ऑफ पॉइंट है. तो आप याद करो, लोकस आपने पढ़ा है, याद कीजिए. लोकस जब भी पॉइंट होता है तो हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, याद करो, एच कॉमा के मार्क करते हैं. और ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, इसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट के साथ, समझिएगा ध्यान से. तो फिक्स पॉइंट का मतलब ये पॉइंट गिवन आपका है. सपोज दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा, करा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मूविंग पॉइंट है, एच कॉमा के एक मूविंग पॉइंट है, लेकिन ये ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट के साथ, अल्फा बीटा के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट हो. तो ये कैसे मूव करेगा एच कॉमा के, बताओ. क्या आपको लग रहा है कि नहीं, बताओ. ये इसी तरह का डायग्राम में मूव करना पड़ेगा इसको, सर्कल में बोल देना आपको कुछ. ये जो डायग्राम बन रहा हो क्या बना रहा है, बताओ. सर्कल बना रहा है, बताइए. तो जो फिक्स पॉइंट मूविंग पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, जो फिक्स पॉइंट सी था, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी सी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रेडियस होता है. और जो ये फिक्स पॉइंट था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, सेंटर कहते हैं. समझ में आप लोग को? हेलो, समझे इस बात को? हेलो, यस सर. तो आप बताओ, ये PC इक्वल टू R है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, R स्क्वायर होगा, बताओ. रिप्लाई कीजिए. यस. तो PC स्क्वायर यदि R स्क्वायर है, तो आप बताओ हमें PC स्क्वायर हम वो निकाल सकते हैं ना. ये दो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं ना पीसी स्क्वायर का वैल्यू, बताइए. यस. तो क्या लिखें इसके रिजल्ट को, बताओ. क्या ये रिजल्ट एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, बताओ. यस सर. अब आप याद करो, जब भी हम लोकस बेस इक्वेशन जब भी हम लोग डील करते हैं, तो लास्ट स्टेप हम लोग क्या कर देते हैं, बताइए. लास्ट में क्या, एच कॉमा के जगह एक्स वाई. यस सर. तो एच के जगह आप एक्स डाल दो, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, बताओ. ये रिजल्ट आएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और यही इक्वेशन आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां पे अल्फा बीटा उसका सेंटर है और रेडियस r है. ये आप लोगों को समझ में आया, बताइए. हेलो. यस सर. अब नेक्स्ट केस, इफन सेंटर इज एट ओरिजिन. जब सेंटर कहां पे आ जाए, बताओ, जीरो जीरो पे आ जाए, इसका मतलब अल्फा और बीटा, जो यहाँ पे अल्फा बीटा है उसके जगह आप जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. तो क्या लिखें इसको, बता. इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ, r स्क्वायर. ये भी इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन एक स्टैंडर्ड केस, जब उसका सेंटर कहाँ पे आ जाए, बताओ, ओरिजिन पे आ जाए, तब का फॉर्मूला ये है. बात क्लियर है?
हेलो, अब आप ये बताओ मैं कि यदि दो सर्कल, एक नेक्स्ट पॉइंट पे बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, दो सर्कल यदि कंसेंट्रिक है तो उसमें क्या चीज में चेंज नहीं आएगा बताओ। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा में कोई चेंज आएगा बताओ? चेंज किस में रहेगा बताओ? सपोज इसका रेडियस आर वन है, इसका रेडियस मान लेते आर टू भी है, तो आप बताओ हमें इसके इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दो कंसेंट्रिक इक्वेशन के लिखे तो इस फर्स्ट का इक्वेशन निकलेगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है। सेकेंड सर्कल का भी इक्वेशन में x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सपोज ये आर वन था सॉरी, और इसको हम आर टू लिख सकते हैं। तो ये दोनों जब सेंटर सेम ही है तो कंसेंट्रिक सेंटर कहलाता है, सर्कल कहलाता है, और उसका रेडियस चेंज रहेगा बस, सेंटर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपको समझ में आया बताइए? Yes, sir. आप ये दो कंसेप्ट, ये सर्कल का इक्वेशन, ये जब सर्कल सेंटर एट ऑरिजिन, इसको आप नोट करें और इसी कंसेप्ट पे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ू क्वेश्चन डिस्कस करूं? एक मिनट सर। सर वो फिर कंसेंट्रिक सर्कल वाले को एक साथ लिखना होगा। एक साथ मतलब? मतलब सॉल्व कर, मतलब जो इक्वेशन सर जो बनाया है ना, जो उसका ए पेयर ऑफ पेयर में लिखना होगा इक्वेशन सर। हाँ, जब पूछे जाएगा कि ये सपोज दो कंसेंट्रिक सर्कल के इक्वेशन लिखो, तो एक सर्कल का इक्वेशन ये होगा, दूसरा सर्कल का इक्वेशन रेडियस में बस फर्क होगा, सेंटर सेम है। क्लियर है? Yes, चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोचिएगा खुद से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन of circle with radius pi and whose center lies on the x-axis. And passes through the point two, three. Try करें पहले क्वेश्चन खुद से, नहीं बनेगा फिर हम डिस्कस करेंगे। सर्कल का सेंटर कर रहा है कि लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप बताओ सर्कल का सेंटर यदि एक्स एक्सिस पे है तो क्या इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से? अल्फा कॉमा जीरो होगा सर, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट। सर्कल यदि सेंटर यदि एक्स एक्सिस पे है तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को अल्फा कॉमा जीरो लिख सकते हैं बताओ?
यस सर। और यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है, तो एक काम करें सर, रेडियस को कुछ एज्यूम कर लो। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बताओ, या फिर रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस 5 ऑलरेडी गिवन है सर, तब तो और आसान हो गया क्वेश्चन। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये क्या इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन होगा बताइए। यस सर। अब ये सर्कल पास कर रहा कहां से बताओ, 2,3 से दिख रहा आपको क्वेश्चन में? हेलो, आप लोग रिप्लाई करो, चुपचाप मत बैठोगे तो सो जा रहे हो क्या क्लास में? नो सर। ये सर्कल पास कहां से करा बताओ, 2,3 से पास करा दिख रहा आपको? yes, तो क्या ये 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या बताओ? yes, sir. H, K हो जाएगा वो। तो आप बताइए 2,3 आप यहां पे जाके पुट कर दो इसमें, आप लिख सकते हैं एज सर्कल पासेस थ्रू अल्फा जीरो माइनस 6 माइनस 2 ऑफ 6। अल्फा का क्या रिजल्ट आया बताओ? माइनस 2 और 6। हाँ सही है, थ्रू 2,3। 2,3 से पास करे तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप तो अल्फा निकाल सकते हैं ना, बताइए। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये 2,3 इसको सेटिस्फाई करवाओ तो रिजल्ट कितना निकलेगा, 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y के जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से आप लोग अल्फा निकाल सकते हैं ना, बताइए। yes. अल्फा का जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट 2 माइनस 2 आएगा और एक 6 आएगा, तो आंसर आ गया आपका ये। तो सर्कल के इक्वेशन में एक बार अल्फा की जगह आप माइनस 2 पुट करोगे, दूसरा रिजल्ट आप 6 पुट करोगे, ये दो सर्कल के इक्वेशन निकल जाएगा, बताइए। हेलो। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर सेंटर्ड आपका पॉइंट 2,3 है एंड टचिंग द लाइन 2,3। इस लाइन को ये टच कर रहे हैं, उस लाइन की क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ट्राई करें पहले क्वेश्चन, सेंटर दे ही दिया है और सर्कल टच कर रहा लाइन 2,3 को, जल्दी बताइए। बन जाएगा क्वेश्चन, ये बताइए सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देख लो ध्यान से, सर्कल का सेंटर है 2,3 पे, ये पॉइंट 2,3 है और एक लाइन इसको टच कर रहा है, तो आप बताओ ये पॉइंट 2,3 है, क्या ये यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या ये रेडियस होगा बताओ? यस सर। और इस लाइन के इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा आप लोग को ये? तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2
plus 3 minus 1 and this whole divided by under root 1 ka square plus 1 ka square. ये रेडियस जो निकाले हम, ये समझ में आएगा आप लोग को, बताइए. यस सर. इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नो सर. चलिए तो रेडियस को सिंपलीफाई करो थोड़ा. तो सिंपलीफाई करके क्या रिजल्ट आएगा बताओ? ऊपर में रिजल्ट क्या 4 आ जाएगा और नीचे का रिजल्ट कितना बताओ? रूट 2. करेक्ट है. हेलो. तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो लिखे हम? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता. तो रेडियस ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 2 और फाइनल आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के बराबर होगा. और यही इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है. समझ में आया कि नहीं बताइए? यस. चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप जो लोग नहीं बना पाए उसको नोट कीजिए पहले. अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप सोचेंगे खुद से. और कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का बेसिकली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स each having radius five and touching the line three x plus 4y minus 11 is equal to 0 at point 1,2. 1,2 पे इसका डायग्राम भी मैं बना के दिखा दूंगा आपको. ये सर्कल है और ये इस लाइन को टच कर रहा है. जहां भी ये टच कर रहा है, ये जो पॉइंट आपका, ये पॉइंट गिवन है और दिस पॉइंट इज 1,2. और इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रेडियस भी दे चुका आपको. तो जब रेडियस दे दिया तो हमको निकालने के लिए बचाओ यहां पे क्या, बताइए? हेलो, रिप्लाई कीजिए सर. सेंटर. तो सेंटर कैसे निकाले, थोड़ा हिंट करो आपको क्या करना चाहिए सेंटर निकालने के लिए. सेंटर होगा, ये पॉइंट सेंटर होगा कि नहीं होगा बताओ. और क्या ये डायग्राम ऐसा पॉसिबल नहीं क्या बताओ? इधर भी तो सर्कल बन सकता है ऐसा, बताइए. यहां भी सेंटर हो सकता है, हाँ है ना? हेलो. Yes. तो आप सोचिए कि ये पॉइंट 1,2 से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 5 ऑलरेडी गिवन है और ये पॉइंट 1,2 है, यहां से यहां तक ये भी 5 डिस्टेंस है. तो कुछ स्ट्रेट लाइन में कुछ चीज याद आ रहा आपको क्या, बताइए? एक गिवन पॉइंट से कुछ फिक्स डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट आपको निकालना है. इमेज सर, इमेज. इमेज और भी सोचो कुछ और याद करो. एक फॉर्मूला हमने लिखाया था, आपको याद कीजिए. x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा था, याद आया कुछ आपको? सर m by n से नहीं कर सकते हैं? किस कौन से, कैसे m by n बताओ? सर m by n मतलब माइनस लाइन इनटू x1 y1 अपॉन लाइन x2 y2, तो 5 by 5 1 हो जाएगा. रेशियो निकाल दो m अपॉन n. ये पॉइंट हमको गिवन है, ये पॉइंट हमको निकालना है, ये भी पॉइंट पॉसिबिलिटी है. तो आप सोचो जरा कि एक पॉइंट निकालना है, x निकालना है, y निकालना है. कहां से? x1 y1 से, दैट इज 1 और 2 से.
यहाँ पे x1 भी पता है, दूसरा फॉर्मूला है y is equal to plus minus r cos theta, sorry r sin theta. तो आप याद करो कि x1 y1 यहाँ पे गिवन है और यहाँ से r मतलब 5 दे चुका है, 5 डिस्टेंस पे. अब ये cos theta हमको निकालना बचा हुआ. तुम लोग यदि स्ट्रेट लाइन सही से रिवाइज नहीं करोगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला तुम लोग को. अभी हम जो पूछ रहे हैं आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे उस चीज को. सही से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए आप लोग. ये cos theta हम कैसे निकाले बताइए. सिंपल सा कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का था. एक पॉइंट गिवन है यदि x1 y1, यहां से r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट हमको निकालना है. ये तो पता है सर. हां तो पता है, आपको यूज करना पड़ेगा ना, आपको वैसे थोड़े होगा बताओ. और यहां से उतना ही डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली ये पॉइंट ये है, यहां से r डिस्टेंस पे सेकंड पॉइंट ये, यहां से r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट ये. तो ये निकालने का फॉर्मूला ये था, याद कीजिए. हेलो. यस सर. तो क्या ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करके ये पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए. ये फॉर्मूला यूज करने में हमको क्या चाहिए. x1 y1 जो इनिशियल पॉइंट था, तो ये पॉइंट ऑलरेडी 1.2 है. तो आप बताओ हमें x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5, ये तो लिख दिए. y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5, लेकिन इसके साथ ये cos थीटा और sin थीटा लगा हुआ. सर एक बार फिर समझाइए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था. हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट 1.2 वाले है यहाँ से, और यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट फाइंड करना है. तो ये याद करो एक स्ट्रेट लाइन में कांसेप्ट हमने डिस्कस किया था, और वहां भी बोले थे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट x1 y1, यहां से r डिस्टेंस पे यदि आप कोई पॉइंट आपको निकालना है तो फॉर्मूला ये था, x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y is equal to y1 plus minus r sin theta. था ना ये फॉर्मूला, बताइए. तो फॉर्मूला प्लस था, प्लस माइनस नहीं था. हाँ तो उसमें हमने ये बताया था कि यदि आगे की तरफ ये डील करेंगे तो ये प्लस r यूज होगा, इधर निकालेंगे तो ये क्या होगा बताओ, माइनस r. तो यहाँ पे दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ. यस सर. यस. इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते. तो अब देखो यहाँ पे x1 y1 है, तो x1 y1 तो यहाँ पे 1 और 2 दे दिया है, प्लस माइनस 5. लेकिन 5 के साथ चेक करो ये cos थीटा लगा हुआ, ये थीटा क्या होता था ये बताइए. इंक्लिनेशन सर. किस लाइन के इंक्लिनेशन सर. जो लाइन दिया हुआ है x कॉमा y का है ना, ये लाइन का इंक्लिनेशन होता था थीटा. yes, यहाँ पे आप बताओ इस लाइन का कोई इंक्लिनेशन आपको पता है यहाँ पे क्या बताओ. नो no, सर. इस लाइन का तो है, देखो इस लाइन का है या नहीं, इसका भी नहीं. इस लाइन की इक्वेशन आपको दिया हुआ, देखो ध्यान से, 3x plus 4y minus 11 is equal to 0 दिख रहा आपको. तो इस लाइन का स्लोप आपको पता है, स्लोप मतलब tan थीटा पता है. इस लाइन का स्लोप कितना देखो, तो ये क्या माइनस 3/4 है. तो आप बताइए जब इस लाइन का स्लोप आपको पता चल चुका है तो क्या इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा आपसे, क्योंकि जस्ट ये परपेंडिकुलर है. yes, sir. निकल जाएगा सर. तो क्या निकलेगा बताओ. 4/3 सर. तो सपोज ये पॉइंट को हम C1 मान लेते हैं, ये पॉइंट को C2 माने, तो स्लोप ऑफ C1 C2 ये क्या निकलेगा, तो क्या ये 4/3 होगा. यस सर. इसका मतलब ये बाकी tan थीटा 4/3 है, हां है ना. यस सर. और tan थीटा पता चल गया तो क्या आप cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हो बताओ. यस सर. जल्दी तो 5 है तो जल्दी से बताओ, tan थीटा 4/3 है तो cos थीटा को हम लोग क्या 3/5 लिख दें यहाँ पे. यस देखो, तो हमने cos थीटा का वैल्यू भी पुट कर दिया यहाँ पे, sin थीटा का वैल्यू भी पुट कर दिया. अब इसको सिंपलीफाई करो तो x का क्या रिजल्ट आएगा और y का क्या रिजल्ट आएगा जल्दी बताओ. और यही x और y सर्कल का सेंटर निकल गया, तब सर्कल का सेंटर पता चल गया और रेडियस ऑलरेडी पता है, तो क्या इक्वेशन हम निकाल सकते हैं क्या बताइए. हेलो. निकल जाएगा बताइए. यस सर. एक्स का वैल्यू 4-2 और वाई का वैल्यू 6-2. एक्स का जो रिजल्ट आया कितना कितना है बताओ. 4-2 4 और माइनस 2 ये ना. यस यस. वाई का क्या रिजल्ट आया बताओ जल्दी से. 6-2. तो फाइनल बताओ सेंटर क्या क्या निकल गया. जो C1 निकला अभी क्या ये 0.4-6 है, और जो C2 निकला ये -2-2 निकल गया. तो ये सर्कल का ऊपर वाले सर्कल के इक्वेशन हमको निकालना है, तो क्या निकाले.
C1 का इक्वेशन क्या निकल जाएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो r इज रेडियस, रेडियस दोनों में 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। C2 का इक्वेशन आपको चाहिए था, तो C2 के इक्वेशन को लिखेंगे क्या बताओ, x माइनस ये लिखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। ये आप लोग को समझ में आए, बताइए। हेलो, आ गया सर समझ में, इसमें कोई दिक्कत है बताओ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? और आप चेक करो, देखो स्ट्रेट लाइन पे ही कंसेप्ट यूज हुआ है, इसलिए हम बार बार करें कि आप स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रखोगे, फिर आगे इस समय आपको ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको समझ में आप लोग को ये, चलिए इसको नोट कीजिए। आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते, एकदम चुपचाप रहते हो, पूछ रहा हूँ कि समझ में आया नहीं, रिप्लाई करोगे ना? अरे यदि नहीं समझ में आया तो पूछिए इसको फिर, नोट कीजिए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी कंसेप्ट पे है, आप लोग पहले ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा फिर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल x square plus y square is equal to a square. Oh yes sir. Note कर लिए सर। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। Having fixed length l. Sir, x square plus y square equals to 9 plus square या 8 square? हाँ, तो एक्सपेंड करने की कोई जरूरत है नहीं, इस फॉर्म में भी आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर है ना वो, कौन सा? हाँ ये ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। हैविंग फिक्स्ड लेंथ एल, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, किसी को दिक्कत नहीं है? मिटा सकता हूँ इसको मैं? हेलो, यस सर। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप जल्दी से। फिक्स्ड लेंथ एल और कल का एक ये भी होमवर्क है कि पीछे सर्कल स्ट्रेट लाइन का जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हर एक चैप्टर में यूज होगा, कहीं भी हम पूछें किसी से भी। और अब हम इस बार वीडियो ऑन करके नाम के साथ पूछेंगे, इसलिए आप सब लोग आप रेडी रहिएगा। सर आप ऑफलाइन नहीं आइएगा? ऑफलाइन होगा, देखते हैं क्या होता है। वहां पे कौन कौन से क्लास अभी ऑफलाइन चल रहे हैं? करेंगे जल्दी, प्लान करेंगे उस प्रोग्राम 15 के बाद कुछ ना कुछ प्लान करें।
पंजा का क्वेश्चन या डिस्कस में करूं सर? तो यहाँ पे सर्कल का रेडियस ए ना मानेंगे? हाँ, ए रेडियस गिवन है तो ए ही मानेंगे। देखो लोकस टाइप के क्वेश्चन में पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है, हमने बताया भी था आपको कि लोकस किसको मान रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सर्कल का इक्वेशन हमको ऑलरेडी गिवन है, तो सर्कल की इक्वेशन सर्कल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये सर्कल है और आप बताओ कि सर्कल का सेंटर इसको देख करके क्या लग रहा है कि कहाँ पे सेंटर है इसका, बताओ। हेलो, 0.0 ओरिजिन पे सेंटर है इसका, और इसी सर्कल में कोई कॉर्ड है जिसका लेंथ L है। सपोज ये कॉर्ड आपका जिसका लेंथ L है, और ये कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो ये पॉइंट का इक्वेशन आप ऑलरेडी जिसको भी लोकस फाइंड करना होता है याद करो, उस पॉइंट को हम एच कॉमा के मानते हैं, करेक्ट है ये? यस। चलिए यहां के बाद का स्टेप है कि ये पॉइंट याद करो, ये पॉइंट 0.0 है आपका ऑलरेडी। आप बताओ मैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रेडियस से होता है? यस सर। और दूसरी बात, ये लेंथ कॉर्ड का लेंथ गिवन था ए बी एल था, तो क्या ये छोटा सा लेंथ एल बाई टू होगा? और आप याद करो सेंटर से यदि हम कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। यस सर। तो आप ये बताओ, आप ये सपोज ये सेंटर को हम सी माना और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट को हम एम माने, तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हमें मिल जाता है? तो आप बताओ यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन हमको दिख रहा है यहाँ पे, क्या हम ए सी के स्क्वायर को, दैट इज हाइपोटेनियस है ये ए सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर प्लस एम का सी एम का स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। यहाँ पे देखो तो ए एम हमको पता है, ए एम क्या ये एल बाई टू है? यस सर। और आप बताओ ये लेंथ आपको पता है ए, ये पॉइंट कितना बताओ एल बाई टू आपको पता है, करेक्ट है? यस सर। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या बताओ, सी एम निकाल सकते हैं? यस सर निकाल सकते हैं। सी एम इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ, क्या ये लेंथ ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर होगा? यस सी एम जो एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं इसको, क्या बताओ? यस यस सर। और आप याद करो सी एम ये आप निकाल लिया आपने, नेक्स्ट हमको एच के में इक्वेशन चाहिए। तो हमको एच के को यूज करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आपका 0.0 है और ये पॉइंट आपका एच कॉमा के है, तो सी एम स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बताओ, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इसका होल स्क्वायर? यस। और प्लस एम स्क्वायर को क्या हम एल स्क्वायर बाई फोर लिखे? यस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो रिजल्ट कितना आएगा, देखिए ये लेंथ आपका ए स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू वहां पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये रिजल्ट आएगा आपका, और प्लस एल स्क्वायर फोर। और हम लोग लास्ट में यही चाहते थे कि एच के में इक्वेशन आ जाए, एच के में इक्वेशन आ चुका है, एल स्क्वायर बाई फोर इधर शिफ्ट कर दो तो अगला स्टेप लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर। और आप याद करो लोकस वाले केस में लास्ट में हम क्या करते हैं बताइए, एच कॉमा के जगह एक्स कॉमा वाई में, तो आप लिखो यहां पे एक्स स्क्वायर वाई में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आपको? यस। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें समझने? बताइए ये इक्वेशन भी जो सर सर्कल के फॉर्म में हो गया ना? हाँ, तो ये सर ये भी सर्कल के इक्वेशन फॉर्म में है, तो इसका भी आपसे पूछा जाए कि ये जो लोकस बनेगा उसका सर्कल का सेंटर बताओ, इसका भी सेंटर क्या होगा बताओ, 0.0 होगा, दिख रहा ना? आपसे पूछेगा कि ये सर्कल का रेडियस पता करो, तो क्या होगा रेडियस पता करो? ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नहीं,
तो ये a स्क्वायर है ना, तो रेडियस को अंडर रूट करना पड़ेगा तुमको ना बताओ, क्योंकि रेडियस क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 माइनस इसका होल स्क्वायर होगा ना, करेक्ट है, क्योंकि RHS में होल तो रेडियस पूछा जाए तो केवल a है, यहां भी पूछा जाए कि रेडियस क्या है इसका, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 होगा, क्लियर है? यस सर। चलिए यस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, इसको आप नोट करें। यस सर, हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट ये थ्योरी है एक तरह से, लेकिन इसको भी हम लोग एज ए क्वेश्चन ही ट्रीट करेंगे। हेडिंग है इक्वेशन ऑफ सर्कल। Touching one or both the coordinate axes. Touching one or both the coordinate axes. या तो एक या तो फिर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करें, इसे हम ट्रीट करेंगे एज ए क्वेश्चन। आप लोग भी सोचिएगा कि क्या क्या यूज किया जाए इसको। सबसे पहला केस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस दो है एक्स और वाई, तो हम चाहते हैं कि पहला एक केस हम डील करें जिसमें कि सर्कल टच करे एक्स एक्सिस को केवल। और जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है तब इसका इक्वेशन क्या, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। कोई डायग्राम ऐसा हो सकता है जब एक्स एक्सिस को टच करे, सपोज ये सर्कल है और ऐसा टच करे इसको, और इसका सेंटर इज अल्फा बीटा है, सी इज अल्फा बीटा, तो आप बताओ क्या इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं क्या, बताओ जब वो एक्स एक्सिस को ही टच करे, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो सेंटर की इक्वेशन पता है, वैल्यू पता है हमें, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पे रेडियस आपको दिख रहा है क्या, बताओ क्या यहाँ पे रेडियस इसके सेंटर के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, बताओ। यस सर, रेडियस यहाँ पे क्या यही बीटा है, बताओ, बोल रहे आप कुछ, हेलो। यस सर, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर, तो पहला केस क्लियर हो गया जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड केस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जब सर्कल केवल वाई एक्सिस को ही केवल टच करे, ऐसा सर्कल है और इसका भी सेंटर इज अल्फा बीटा, तो जब सेंटर गिवन है यहां पे, तो एक चीज और यहां पे दिख रहा है आपको, इसको भी हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप बताओ रेडियस को के बारे में कुछ बताइए, रेडियस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बताओ, अल्फा सर, x कोऑर्डिनेट, ये alpha. इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ये लेंथ जो होगा वही रेडियस होगा, बताओ, और ये रेडियस, ये लेंथ यहाँ पे कितने अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा
दिस इज मॉड अल्फा लिख सकते हैं हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड अल्फा का स्क्वायर लिखें या फिर आप डायरेक्टली अल्फा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर दोनों बराबर ही निकल जाएगा तो ये इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये दो केस हो गए। अब हम नेक्स्ट केस आ रहे हैं जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, एक्स को भी टच करे और वाई को भी टच करे। ऐसा कोई सर्कल है जो दोनों को टच करता हो और ये पॉइंट अल्फा बीटा यहां पे है तो आप बताओ तो ये पॉइंट सेंटर से अगेन फिर ये अल्फा बीटा भी है तो आप हमें बताएं कि ये जो डिस्टेंस है क्या ये रेडियस होगा बताओ और ये जो डिस्टेंस है क्या ये भी रेडियस होगा बताइए। यस तो इस केस में कुछ आपको दिख रहा है क्या रिजल्ट बताओ क्या यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों को बराबर होना पड़ेगा बताओ। यस प्लीज आप लोग डिस्कस कीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अल्फा बीटा दोनों बराबर होना चाहिए करेक्ट है ये। यस सर। और ये अल्फा बीटा जो भी है रेडियस को या तो आप अल्फा के टर्म में डील कर सकते हैं दैट इज मॉड अल्फा या फिर मॉड बीटा दोनों लिख सकते हैं आप। ये आपका थर्ड केस है और यहाँ पे आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो कम्प्लीटली चूंकि सेंटर अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा दोनों बराबर है तो या तो कम्प्लीटली अल्फा अल्फा लिखो या बीटा बीटा लिखो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलेगा यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा बीटा भी अल्फा के बराबर तो यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर का स्क्वायर तो आर के जगह या तो आप ये पुट करो या तो ये पुट करो क्योंकि दोनों ही बराबर है तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर लिखे और यही इक्वेशन आपका सर्कल का आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया बताइए। यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर हो गया। ठीक है अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड the equation of circles touching y axis at 0, 4 and cutting the x-axis in a chord of length 6 units पहले आप लोग डायग्राम सोचिए इसका कि डायग्राम कैसा हो। एक्स एक्सिस को कट करा उस कॉर्ड का लेंथ 6 है और वाई एक्सिस के एक पॉइंट पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस को जहां पे टच करा वो आपको दिया हुआ है एक तो हमको जो दिख रहा है यहां पे क्योंकि सर्कल के इक्वेशन चाहिए तो सेंटर निकालना होगा आपको रेडियस निकालना पड़ेगा ये दो चीज मिल जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट है कि y एक्सिस को टच करा एट द पॉइंट 0, 4 पे और
एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, कट कर रहा है कॉर्ड का लेंथ, जिसका लेंथ 6 यूनिट के बराबर है। तो आप सोचो जरा यहाँ पे, क्या ये डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं? बताओ, यहां पे टच करा, देखो ध्यान से, दिस पॉइंट इज 0.4 और ये जो कट करा लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए बी लेंथ आपको दिया हुआ कितना दिया, देखो 6, ये इतना इंफॉर्मेशन है। तो एक डायग्राम दिमाग में ये होना चाहिए। और ऐसा भी केस हो सकता है कि नहीं हो सकता, जरा सोचना जरा, ऐसा डायग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। Yes, यहां भी आप चेक करो, ये पॉइंट आपको 0.4 है जहां पे टच करा हुआ एक्सिस को, और यहां भी एक कॉर्ड ऑफ लेंथ ए बी यहां पे 6 यूनिट के बराबर है। तो ये दो पॉसिबल डायग्राम है, इसलिए यहां पे इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की बात कर रहा है, मतलब क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन अलग होगा, क्योंकि सेंटर अलग होगा, यहां पे इसका सेंटर अलग होगा। तो ये दो डायग्राम पॉसिबल है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए दोनों ही केस में सर्कल का रेडियस निकाले और सेंटर निकाले, दो चीज पता चल जाएगा तो बन जाएगा। और यदि फर्स्ट डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे, तो आप सोचिए जरा यहाँ पे कि फर्स्ट डायग्राम में ये सेंटर यदि है, मान लो यहां से ये जो लेंथ है, एक कंस्ट्रक्शन हम करें, देखो ध्यान से, यहां से ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ होगा, फोर सर, फोर होगा, और क्या ये लेंथ 4 के बराबर हो जाएगा, बताओ, बताइए। यस सर। और ये टोटल ए बी याद करो, ए बी का लेंथ कितना था बताओ, 6 था, तो ये लेंथ हम 3 और 3 में बांट सकते हैं, सब बताओ। यस सर। तो आप ये बताओ, यहाँ पे ये 4 और ये 3 पता चल गया, तब तो हमको रेडियस मिल गया सर्कल का, दिख रहा आपको? यस सर। ये रेडियस क्या 5 होगा? 5। और अब इसके कोऑर्डिनेट को पता करो, कोऑर्डिनेट में आप बताओ यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, बताओ, सर कौन सा लेंथ, मतलब कोऑर्डिनेट हमको, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो ये जो लेंथ यहां से यहां तक, क्या ये लेंथ 5 है, बताओ, है सर, क्यों 5, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। तो ये जो लेंथ यहां पे दिख रहा हमको, क्या वही लेंथ यहां से यहां तक होगा, बताओ सर, 4.5 हो जाएगा, 4.5, ये 5.4 होगा, 5.4, क्लियर है? यस सर। तो दिस इज एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इसका 5 का स्क्वायर है। ये डायग्राम ये है। सेकेंड डायग्राम में आ जाओ, ये फिर से सेम सिमिलर बात हो गया, यहाँ भी ये लेंथ आपका यहाँ भी 3, मैग्नीट्यूड वाई ये भी 3, ये डिस्टेंस आपका रेडियस है आपका, तो रेडियस ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, रेडियस 5 है। तो आप बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखे, ये पॉइंट क्या -5.4 यस सर, और रेडियस यहाँ भी क्या, रेडियस यहाँ भी 5 है, बताओ, यस सर, सही है ना? तो बताइए फाइनल इक्वेशन, आप खुद से सोचिए क्या लिखे इक्वेशन, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड केस में क्या आएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये आपका सर्कल की इक्वेशन था जो आपको निकालना था, ये सेकंड सर्कल की इक्वेशन आपको निकल गया, क्लियर है? समझ में आप लोगों को, बताइए। यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखते हैं। होमवर्क जो हमने आपको दिया है उसे आप ध्यान से सुनिएगा, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है 48 वो कंप्लीट करना है, और स्ट्रेट लाइन का हर एक कंसेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि तो आगे बहुत जगह पे डायरेक्टली हम यूज करेंगे, और वहां पे बिल्कुल अननोन मत बन जाइए आप।
यस सर हो गया नोट हो गया चलिए एक क्वेश्चन जो आप लोग बना के लाओगे नोट करेंगे आप लोग फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन क्वेश्चन इज फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both the axes and the straight line four x plus three y is equal to 6. Concept है दोनों एक्सेस और इस लाइन को भी टच कर रहा है मतलब तीन लाइन है एक तरह से x एक्सेस y एक्सेस और साथ ही साथ 4x plus 3y is equal to 6 इसको भी टच कर रहा है समझ में आपको ये yes sir इसे आप ट्राई करके लाएंगे चलो आज यहीं तक नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू